रेडियो सिटी व थाने ट्रैफिक पुलिस ने थानेकरों को बांटी हेलमेट। आगे वाले बाबू और पीछे बैठे बाबू हेलमेट तो लगा, जीवन बड़ा कीमती है उसको तो बचा। इस तरह के स्लोगन के साथ में थाने पुलिस और रेडियो सिटी एफएम चैनल ने मिलकर दोपहिया सवारों को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का और प्रोत्साहित करने के लिए पीछे वाले बाबू हेलमेट लगा लो इस तरह की जन जागृति अभियान चलाया। इस अभियान के तहत शुक्रवार 22 जुलाई को तीन हाथ नाका ट्रैफिक ब्रांच थाने के संयुक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्र कराले, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय जादव, रेडियो सिटी के आरजे करण, डीआईटी के प्रेम कुमार अमर ने बिना हेलमेट बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट बांटते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर थाने के संयुक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्र कराले और रेडियो सिटी के आरजे करण ने बाइक सवारों को गुलाब का फूल भी दिया, हेलमेट पहनकर यात्रा करने की अपील भी की। रेडियो सिटी ने थाने पुलिस को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर रेडियो सिटी के अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं रेडियो जॉकी उपस्थित थे। एडिशनल डीपी थाने दत्तात्र कराले और रेडियो जॉकी आरजे करण ने विशेष तौर पर रोड की दुर्घटनाएं कम हो, सड़क हादसाएं कम हो, जिसको लेकर ये हेलमेट बांटते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान एडिशनल सीपी थाने दत्तात्र कराले और रेडियो की जॉकी के आरजे करण ने क्या कहा, ये सुनते हैं। आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। आज यहाँ थाना में हमने जो भी टू व्हीलर चालक है और जो भी उसके पिजन राइडर्स है उनको हमने प्रतीकात्मक स्वरूप से हेलमेट गिफ्ट करने का कार्यक्रम किया है। इसमें रेडियो सिटी और ग्रेट व्हाइट ये दोनों की तरफ से हमने आज प्रोग्राम किया है। इसके माध्यम से मैं नागरिकों को आवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप चाहे सब्जी लाने के लिए 100 मीटर के लिए जाओ या लंबी राइड के लिए जाइए, आपको हेलमेट की जरूरी है। चाहे वो चलाने वाला हो या पीछे बैठने वाला हो, हेलमेट की हमारे सेफ्टी, तो मैं आपको विनती करता हूँ। आज हमने कुछ नागरिकों को, 100 नागरिकों को प्रतीकात्मक रूप से हेलमेट गिफ्ट किया है। उसको ये भी बताया कि आज हम आपको प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं हेलमेट, उसके साथ गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप हेलमेट ना पहन के जाओगे तो आपकी गाड़ी भी चुप हो सकती है, हेलमेट भी वापस दिया जाएगा और फाइन तो भरना ही पड़ेगा। तो मेरा ये अपेक्षा है नागरिकों से, इसमें सुधार काफ़ी आएगा और एडमिट में चलाने वालों में काफ़ी सुधार आ जाएगा। जिस तरह से मुंबई में आगे चलने वाले, बैठने वाले, चलाने वाले को हेलमेट जारी किया गया, इसी तरह से थाने में भी इसी तरह का उसी का एक आगे का कदम थाने में आज कार्यक्रम किया है। खुश है, ये एक महीने से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। पीछे वाले बाबू हेलमेट लगा लो, हमारे साथ सेलिब्रिटी आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल ने पूरा स्पॉन्सर किया है 300 हेलमेट। ये हमारा दूसरा लेग है, आज 100 हेलमेट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अब तक 600 हेलमेट खुद हम रेडियो सिटी से लोगों को दे चुके हैं, क्योंकि जान से प्यारा कुछ नहीं है। और ये मैसेज हम लोगों को फैलाना चाहते हैं कि अपनी पीछे वाले जान की परवाह करो। इतना कैजुअल बिहेवियर रहा है हमेशा का, लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, अब कंपलसरी हो गया, तो इस कंपल्शन में हम अपना थोड़ा योगदान दे। अमर सर, कहाँ कहाँ पे इसका आयोजन कर रहे हैं? हमने क्रॉफर्ड मार्केट में ऑलरेडी कर दिया है, कार्टर रोड पर कर दिया है, फिर वकोला सिग्नल पे किया है, विले पार्ले जंक्शन में किया है। थाने में फर्स्ट टाइम आए हैं क्योंकि कराड़े साहब, जादव साहब से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो उन्होंने बोला थाने आ जाओ, और अमर आ गए, ग्रेट व्हाइट इलेक्ट्रिकल्स आ गए, तो मैं बहुत हैप्पी। अमर सर, जिस तरह डांस में हम सेफ्टी को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से रोड में भी आपने हेलमेट बांटा है, कैसा लगता आपको? यार, हेलमेट तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। मेरा जो बड़े भाई हैं वो ट्रैफिक में है और मेरे पापा पुलिस में रहे, तो मुझे पता है, जब वो लोग बताते हैं कि हर साल कितनी डेथ होती है सिर्फ गिर जाने से, सर पर चोट लग जाने से, यू नो, और लोग पता नहीं किस बात की इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे। मैंने खुद ये गलती करी, मैंने वॉज वेरी यंग, मैं भी गिरा हूँ, मेरा फेस कट गया था, यू नो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझना कि आपकी जान है तो जहान है, और ये हेलमेट मतलब आपकी सेफ्टी के लिए है। इससे लगता है लोगों को कि फेस नहीं दिखेगा, चश्मा नहीं पहन सकते, कंफर्ट नहीं है, बट ये नहीं होगा तो उसके लायक कुछ बचेगा नहीं, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको पहनना चाहिए। हेलमेट